नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं फूल पता कैसे क्या करना है, क्या करते हैं। और देखिए, जैसे हम अगली वीडियो में वैसी जानकारी दी थी, वैसे ही इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं जानकारी। जैसे हमने आपको है? पिछली वीडियो में बताया था कि राम कथा दिन 8 तारीख से 16 मई 2022 को सरस्वती शिशु मंदिर के सामने बीना मध्य प्रदेश में आज प्रारंभ हुई है। कलश यात्रा, शोभा यात्रा बहुत अच्छी रही। धूमधाम से आज कथा का लाइव प्रसारण आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा और यहां पर लाखों की तादाद में पब्लिक पहुंची। और इसकी अगली जानकारी हम बताते हैं आपको। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये देखिए, ये जानकारी दी थी आपको। देखिए, शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा दिनांक 8 मई को 2022 को 10 बजे से शुरू हुई थी। स्थान सरस्वती शिशु मंदिर के सामने बीना मध्य प्रदेश। आगे की जानकारी हम और देते हैं। देखिए, अगली जानकारी यह है, बागेश्वर धाम का महादिव्य दरबार बिना टोकन के बिना नंबर के दिनांक 10-11 मई को 2022 को 2 दिन ये दरबार लगेगा। समय सुबह 10 बजे से गुरु इच्छा तलक। स्थान हम आपको बता दें, सरस्वती शिशु मंदिर के सामने बीना मध्य प्रदेश, जहां रामकथा हो रही है वहीं पर ये दरबार लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे बिना नंबर के, वहां बिना टोकन के नंबर आएगा। और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की। अगली जानकारी और देते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये देखिए, भभूति वितरण दिनांक 12 मई को 2022 समय सुबह 10 बजे से बटेगी भभूति। आप लेना चाहें तो वहाँ ले सकते हैं। सरस्वती स्थान वही है, सरस्वती शिशु मंदिर के सामने बीना मध्य प्रदेश, ये वहीं बटेगी जहाँ रामकथा का आप लाइव देख रहे हो यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लाखों लोग देख रहे हैं। आप यहाँ रामकथा सुनने के लिए जाना चाहते हो तो आप यहाँ स्थान पर पहुँच जाएँ, रामकथा सुने महाराज जी के मुखारविंद से और महाराज जी के दर्शन पाएँ। और ये सब चीज़ें आप सेवा ले सकते हैं बिना टोकन का। आपका नंबर भी आ सकता है, भभूति भी ले सकते हैं। और बोले एक बार हमारे साथ, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। अगली जानकारी यह है, देखिए देखिए अगली जानकारी, पूज्य बागेश्वर धाम से सीधी बातचीत दिनांक 12 मई को 2022 समय रात 8 बजे से बागेश्वर धाम से सरकार के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाइव जुड़ सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं बागेश्वर धाम से और अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप सीधे 12 तारीख को 12 मई को 2022 रात के 8 बजे शाम के और बागेश्वर धाम के फेसबुक से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अपनी समस्या बता सकते हैं और आपको समस्या का समाधान ही मिलेगा। एक बार बोलें, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आज हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बागेश्वर धाम के लिए। अगर कुछ परेशानी, आपको कुछ पीड़ा हो रही है या कुछ तकलीफ हो रही है या आपके परिवार के परेशान कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेकर आपको कष्ट है तो हमारे इस वीडियो में जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की लिखें और एक्स बना दें। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जैसे ही हमको अगली और जानकारी मिलेंगी आप, वैसे हम आपको बता देंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, अवश्य बताएंगे। और एक और बात कहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हो तो कोई समस्या है या समस्या हो, से निवारण पाना चाहते हो तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की लिख दें। और सभी चीज़ों की नॉलेज बताएंगे बागेश्वर धाम में, कब कहाँ मिलते हैं महाराज जी, कैसे मिलते हैं, कब कहाँ दरबार लग रहा है और कहाँ पहुँचना, आपको कैसे पहुँचना है। इस सभी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहना पड़ेगा आपको और वीडियो को लाइक करते रहना पड़ेगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।